ले रहे हैं 5.2, एक्सरसाइज 5.2, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें हमें निकालना है मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो मॉडुलस के लिए सबसे पहले हमने ऐसे किया, लेट ऐसे लिखो -1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर -1 माइनस, दिस इज माइनस, -1 माइनस आयोटा रूट 3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से होता है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब आर, आर का मतलब होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड। तो आर क्या होगा? आर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए मेरा क्या है? ए मेरा है -1 उसका स्क्वायर, और बी मेरा क्या है? -√3 उसका स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये हो गया 1+3 यानी √4। तो √4 क्या आ गया? 2। तो यही मेरा मॉडुलस आ गया, मॉडुलस ऑफ जेड इज़ 2। इसके बाद हमें निकालना आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए आर साइन थीटा, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी को, तो आर साइन थीटा मेरा क्या आएगा? -√3, और आर कॉस थीटा मेरा क्या आएगा? वो आएगा -1। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो क्या होगा? आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाई -1, यानी टेन थीटा का वैल्यू मेरा आ गया √3। अब क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल क्या बोलते हैं? -π + θ। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? एंगल क्या होगा? -π + θ, मतलब √3। टेन का वैल्यू √3 कहाँ पे होगा? टेन का वैल्यू √3 होगा π/3 पे। तो यही मेरा क्या आ गया? ये मेरा थीटा आ गया, यानी थीटा इज़ -2π/3, और इस थीटा को ही हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। यही मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड है। बस ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? -√3 प्लस आयोटा है इस बार। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, -√3 प्लस आयोटा। अब इसको हमने फिर से लिखा, दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस, ये होता है -a + iota b, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, वेयर √3 -√3 प्लस आयोटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो r यहाँ से क्या निकला? r मेरा आ गया √a² a यानी -√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? ये हो गया √4 विच इज़ 2। तो ये हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड एक आंसर आ गया। अब कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी, तो ऐसा आ गया आर कॉस थीटा मेरा क्या आया? -√3, और आर साइन थीटा मेरा क्या आया? आर साइन थीटा मेरा आया 1। तो दोनों को डिवाइड किया तो आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, ये आ गया 1/-√3। तो टेन थीटा मेरा क्या आ गया? टेन थीटा आ गया -1/√3। अब इस माइनस को आप इग्नोर करते हुए
सीधा सीधा आप एंगल क्या लिखेंगे, एंगल विल बी पाई माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होता है पाई माइनस थीटा। तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, तो 1/√3। सिर्फ मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 कहाँ पर है। तो 1/√3 होता है पाई बाई सिक्स पे, ठीक है। 1/√3 कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई सिक्स पे। तो थीटा मेरा क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप माइनस को इग्नोर करते हुए आप करो सीधा ही। तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज़ 5π/6। तो यही मेरा आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा, ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको मैंने जेड मान लिया, लेट जेड इज इक्वल टू -16 ओवर 1 + √3। तो अब आप इसको पहले रैशनलाइज करो, 1 + √3 इसके नीचे वाले के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऐसे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नीचे नहीं आना चाहिए। तो कितना आ गया, -16 1 - √3 और नीचे हो जाएगा a² - b² ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया -16 1 - √3 ओवर, ये हो गया 1 और i² क्या होता है, -1, तो 1 + 3 4 हो गया। तो हो गया -16 1 - √3 ओवर 4। तो सिंप्लीफाई किया तो ये ऐसे आ गया -4 1 - √3। तो इस 4 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -4 + 4√3। तो ये मेरा किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, -a + √b, यानी लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऐसे लिखा, लेट -4 + 4√3 इज इक्वल टू r cos θ + i sin θ। तो r तो मेरा क्या होगा, r मेरा होगा √a² + b² मतलब i नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, i का कोफिशेंट लेना है, रियल कंपोनेंट और सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट आएगा। तो 4² कितना हो गया, 16, ये 4² हो गया 16 और √3² 3 हो गया। तो यानी इट इज़ 16 + 48, तो ये हो गया 4 = 64 एंड 64 का अंडर रूट क्या हो गया, 8। तो आर मेरा आ गया 8। फिर कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, -4 = r cos θ और 4√3 = r sin θ। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ऐसे आ जाएगा, r sin θ over r cos θ = 4√3 over -4, यानी -√3 हो गया tan थीटा। अब फिर से क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो एंगल हमने क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट पे पाई माइनस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा विल बी पाई माइनस और √3 वैल्यू कहाँ पे होती है, π/3 पे होती है, tan की वैल्यू √3। मैंने कहा इस माइनस को हम इग्नोर करते हैं, तो क्या हो गया π - π/3। तो फाइनली इट इज़ 2π/3। तो ये थीटा हो गया। तो पोलर फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर r और थीटा की वैल्यू डाल लो। तो पुट r = 8
एंड थीटा इज इक्वल टू 2π/3 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा -4, ऐसे हो जाएगा -4 प्लस 4i√3 इज इक्वल टू आर मीन्स 8 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 बस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, ये 5.2 के, इनको भी फिर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन 3, तो लेट पहले इसको जेड मान लिया, 1 माइनस आयोटा, फिर 1 माइनस, अच्छा ये 1 माइनस आयोटा है तो कहाँ लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ए माइनस आयोटा बी, यानी इमेजिनरी कंपोनेंट उसमें ज़ीरो होता है। तो दिस इज इक्वल टू लिखा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर मेरा क्या निकला, आर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 विच इज़ √2, ये मेरा आर आ गया। अब ये आर आ गया तो इसके बाद आप कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी, तो आर कॉस थीटा क्या आ गया मेरा 1, और आर साइन थीटा मेरा क्या आ गया -1। तो अब आप दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ से आ जाएगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/1, तो टेन थीटा मेरा निकल के आया -1, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम क्या लिखते हैं, माइनस थीटा लिखते हैं बस। तो अब आप ये देखो सिर्फ कि वैल्यू 1, टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे, तो थीटा क्या होगा -π/4 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पुट फाइनली पुट आर इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू -π/4 इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये है। तो पोलर फॉर्म इज आंसर, पोलर फॉर्म इज आर का वैल्यू हो गया √2 cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, बस ये मेरा आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है -1 प्लस आयोटा, तो फोर्थ है लेट जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और ये कहाँ लाई करेगा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मेट जो होता है माइनस ए प्लस आयोटा बी का फॉर्मेट होता है। तो फिर से यहाँ से हमने बोला -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने बोला पहले। तो आर मेरा यहाँ क्या आएगा, आर आएगा -1 का स्क्वायर यानी रियल कंपोनेंट, और आई के कोफिशेंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया √2, तो आर मेरा आ गया। फिर कंपेयर कर लो, तो आर कॉस थीटा मेरा क्या है -1, और आर साइन थीटा मेरा क्या है, आर साइन थीटा मेरा 1 है। तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा मेरा निकल के आएगा 1/-1, तो टेन थीटा मेरा क्या आएगा -1। तो अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा क्या बोलते हैं, थीटा हम बोलते हैं π-θ। तो सिर्फ अब आप क्या देखो, 1 कहाँ पर होता है, टेन का वैल्यू π/4 पे, तो थीटा क्या लिखा जाएगा π-π/4, ठीक है, यानी 3π/4 हो गया। तो अब पुट कर लो, पुट आर इज इक्वल टू √2 एंड
थीटा इज इक्वल टू 3π/4, 3π/4 इन फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी है, ये वाली। तो पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म इज आर का वैल्यू हो गया रूट टू कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये मेरा आंसर आ गया, ख़त्म। अब आप ये देखो, यहाँ पर भी माइनस वन आया था और इसमें भी टेन थीटा माइनस वन आया था, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। तो ट्रीटमेंट एंगल का डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों ही नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 इसमें है माइनस वन माइनस आयोटा, इसको जेड मान लिया। तो ये कहाँ लाई करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी यहाँ पर माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो फिर से ले लिया, लेट माइनस वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये मैंने बोली फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से आर मेरा क्या आएगा, आर आ गया अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, यानी दोनों ही एक रियल कंपोनेंट और एक इमेजिनरी कंपोनेंट, तो कितना आ गया, रूट टू आ गया। तो अब आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा मेरा क्या है, आर कॉस थीटा है माइनस वन, और आर साइन थीटा मेरा क्या है, वो भी माइनस वन है। कंपेयर कर लिया रियल और इमेजिनरी को, दोनों को डिवाइड किया तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करके मेरा क्या आ रहा, वन, यानी टेन थीटा मेरा क्या आएगा, वन आएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वन कहाँ पे होता है, पाई बाई फोर पे होता है। इसके बाद यहाँ पर एंगल क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा होता है। तो थीटा हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस थीटा का मतलब पाई बाई फोर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, माइनस 3π/4, ये मेरा थीटा आया, ठीक है। तो अगेन पुट आर इज इक्वल टू रूट टू एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस 3π/4 इन फर्स्ट, तो क्या बनेगा, पोलर फॉर्म इज आर की वैल्यू क्या है, रूट टू कॉस माइनस 3π/4 ऐसे प्लस आयोटा साइन माइनस 3π/4, बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें, ठीक है।